4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, जाटली गांव में हूं। हरियाणा का लोकतंत्र का पर्व है आज 5 अक्टूबर 2024। आप लगातार देख रहे हैं, लोग अब निकल करके वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। ये पहली शिफ्ट है, पहले शिफ्ट में लगभग मतदाता निकल करके वोट डाल रहे हैं और तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज वोट होगा। कहीं किसान, बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी मुद्दे हैं और कहीं देश के विकास को लेकर के भी वोट डाल रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। आप दूर पर देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन पर लगातार मतदाता जाकर के वोट डाल रहे हैं और काफ़ी जागरूक नागरिक है। क्या युवाओं की बात करें, क्या सीनियर सिटीजन्स की बात करें और क्या महिलाओं की बात करें, सभी लगातार वोट डाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काफ़ी जागरूक मतदाता हैं जो वोट डाल करके आ भी रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसे समझने की और बात करने की कि किन मुद्दों पर आज वोट पड़ रहा है। भाई, आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार। और आपका सर नाम? सुबेदार राज सिंह। सुबेदार जी, और आपसे बात करेंगे सर, क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? बदलाव चाहिए, ये सरकार ठीक नहीं, बिल्कुल भी इसको कोई पसंद नहीं करता हरियाणा में। बड़े मुद्दे क्या थे दिमाग में जो चल रहे थे आपके? तो जो काम इनको करना चाहिए वो किया ही नहीं, बिल्कुल समस्याएं बड़ी। समस्याएं सारी विकास की चाहिए थी, एजुकेशन की चाहिए थी, बच्चों के पढ़ाई के कैरियर की बात थी, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। उम्र ताऊ आपकी कितनी हो गई है? 80 इयर्स। देखिए 80 इयर्स एज हो गई है और बता रहे हैं कि समस्याएं काफ़ी थी जिसको लेकर के वोट किया। सर, आप भी वोट करेंगे कुछ देर में, क्या दिमाग में आपके चल रहा अभी? बस ये सेम बता दी जो पिताजी ने, सेम समस्याओं को लेकर के लोगों से बात होती जा रही है। एक सर और भी आ रहे हैं, आप देख रहे तस्वीरों पर। सर राम राम, नाम क्या हुआ आपका? लीलू राम है जी। तो मुद्दे क्या थे बड़े जिस पर वोट डाला आज आपने? मैंने डाला जी दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के। नहीं, हम वोट नहीं पूछ रहे किसको डाला। हाँ। बड़ा मुद्दा क्या था, किन मुद्दों पर आपने वोट डाली? यूँ है कि पहले ग्रांट आई थी सेंटर की, तो खट्टर ने वापिस कर दिए, तो कितना पैसा लगा दो वापिस नहीं करनी चाहिए थी ना, ये मुद्दा है। तो बड़ी समस्याएं रही है। हाँ जी, देखिए बड़ी समस्याएं रही है। और एज आपकी कितनी हो गई? मेरी 70 साल की करीब। सेकंड सर रुकिएगा, नाम आपका क्या हुआ? नरेश कुमार जी। और आपका सर? रोहतास। रोहतास, अभी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ जी। तो पर्ची वर्ची आई कि नहीं आई? कट गई पर्ची तो खामा मास्टर था दिन बट्टी को नहीं घरी घरी बैठे। अच्छा, यहाँ मिल जाएगी? हाँ। एक विजेंद्र मास्टर घरी घरी बैठे। तो बड़े मुद्दे क्या जिन मुद्दों पर आज वोट करने जा रहे हैं? भाई भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महंगाई भ्रष्टाचार है। और आपका सर क्या मुद्दा रहेगा? भाई ये मुद्दा मेरे रोड के मुद्दों, महंगाई बेरोजगारी। सही बात, आपने दिखे है, हमने भी दिखे है। देखिए महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। एक भाई और भी है। भाई आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण कुमार। कृष्ण भाई, वोट डाला है, क्या मुद्दे थे बड़े? मुद्दा तो क्या है जी, रोजगार का यही है मुद्दे, तो रोजगार का बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। एक भाई और भी आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? सतबीर जी, वोट डाला है कि नहीं? डाला जी। तो क्या मुद्दे थे वोट डालने से पहले? मुद्दे ये थे हमारा कोई मतलब गांव का और अपने देश का सुधार हो जाए, गांव देश का सुधार हो जाए। तो पिछले 10 साल में समस्याएं रही या फायदे हुए? फायदे हुए हमारे जी। फायदे हुए। देखिए फायदे और नुकसान हम इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो खुल करके अब बता रहे हैं कि 2024 का जो ये इलेक्शन है वो अब अपने अंतिम छोर पर है और धीरे धीरे सभी से जब हमारी बात होती है तो क्लियर कट ये पता चलता है कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 10 साल में जब बात होती तो पता चलता काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? ब्रह्मदीप। तो अभी वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या बड़े मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं अभी? बस कुछ नहीं जी। आप पढ़ाई करते, तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं के लिए? बस विकास होना चाहिए। हाँ जी, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ। हाँ जी। देखिए विकास का मुद्दा है, लोगों से ये भी बात पता चलती है। देखिए विकास, महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग हो रही है आज। और यहाँ पर आप देखिए एक सर और भी आए, इनसे बात करेंगे। भाई नाम आपका क्या हुआ? राहुल नाम है। राहुल भाई, वोट हो गया? नहीं हुआ अभी? हो गया सर। क्या बड़े मुद्दे थे दिमाग में चल रहे थे वोट डालने से पहले? नहीं सर, कोई मुद्दा नहीं चल रहा। कोई मुद्दा ही नहीं? तो कुछ तो दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये विकास हुआ या ये नहीं हुआ, इन मुद्दों पर होना चाहिए। अभी कुछ नहीं। ताई आपका नाम क्या हुआ? बबली। बबली जी, वोट पड़ गया? हाँ पड़ गया। क्या बड़ा मुद्दा था वोट का डालने से पहले, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में क्या चल रहा था, कोई बन जा गरीब की मदद करे तो उसमें हमने फायदे है। तो अभी मदद नहीं हुई पिछले सरकार में? हाँ? इस सरकार में मदद नहीं? कोई मदद नहीं, हमारी फैमिली आर डी थी हमारी, वो भी नहीं बन रही, हमने तो राशन भी नहीं मिल रहे।
मेरे तीन बच्चे हैं, एक मैं हूँ, हमको तो राशन भी नहीं मिल रहे हो। तो समस्याएं बढ़ी है। हाँ बड़े हुए नहीं मारो तो। देखिए समस्याएं बढ़ी है और समस्याओं पर वोट पड़ रहे हैं ये पता चल रहा है। पड़ रही है अभी तो ये कोई बनेगा हमारा सावधान करेगा तो हम नु जानेंगे हमारे लिए ये अच्छा है जी। आपका नाम भाई क्या हुआ? अशोक। अशोक भाई वोट डालने जा रहे हैं? वोट डाल दी। डाल दी, क्या बड़े मुद्दे थे दिमाग में जिन मुद्दों पर आपने वोट की है? भाई राजनीति कर रहा है बीजेपी, सीधी बात है ना, को काम करो ना और बात, हमने वोट गिरी कांग्रेस की। नहीं तो बड़ा मुद्दा क्या था? मुद्दा तो आपने बताया। मुद्दा घना है कि को फैमिली आईडी को जमींदार सुविधा नहीं कुछ नहीं, दिक्कतें बड़ी है। दिक्कतें। आपका नाम भाई क्या हुआ? अशोक कुमार जी। अशोक भाई वोट डाला है कि नहीं? हाँ जी डाल दिया। क्या बड़े मुद्दे थे दिमाग में चल रहे थे? वही मुद्दा तो केता नहीं था, हमने तो काम चाहिए अपना। तो काम नहीं हुआ है सरकार में? ना होया। समस्याएं बड़ी। हाँ क्या दिक्कतें रही जिन दिक्कतों को लेकर के आपने वोट किया है? दिक्कत यह है कि ये सरकार के अधिकारी मानने घट सके, मैं काम ना होता हमारा छोटा सरकार में काम नहीं हुआ था। हाँ। नाम आपका? सतवीर। क्या बड़े मुद्दे थे वोट डालने से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? वोट डाला है आप, क्या बड़े मुद्दे थे आपके? मुद्दा? हाँ किन मुद्दों पर वोट किए हैं आप? ये मौज कर रखी से और डाल साहब ने अन खातर वोट दिया, मेरे सारों काम नौकरी करे है, हवा चढ़ा रखी है। हवा चल रही है। हाँ। नाम क्या हुआ भाई आपका? चकबीर भाई। यही झारली गांव में रहते हैं? हाँ, झारली गांव में। वोट डाला है? डाले। दिखा दीजिए हमारे कैमरे पहले। तो देखिए लोकतंत्र का पर्व है, हम लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या किन मुद्दों पर वोट किया है और क्या मुद्दे थे आपके बड़े जिस पर आज आपने वोट किया यहाँ पर? भाई साहब बढ़िया मुद्दे थे, कांग्रेस की वोट गिरी है, अपने बढ़िया बंदे दीपेंद्र भाई वो भी बढ़िया आदमी है और गरीबों का बढ़िया साथ देता है, डाउन टू अर्थ बंदा है अपना। बड़े मुद्दे क्या थे आपके, क्या मन में लेकर गए थे वोट डालने से पहले? भाई अपने झाड़ली प्लांट है, अभी यहाँ पर क्या है बाहर के बंदे ज़्यादा लग रहे हैं, तो दीपेंद्र भाई ने कहा था कि अगर आप वोट गिरोगे तो अपने लोकल बंदे लगेंगे यहाँ पर, तो वही हमारा संकल्प है कि हम भी भाई अपने भाइयों को यहाँ पर नौकरी देख करते देख। तो आप बदलाव को देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं। आपका नाम सर क्या हुआ? जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार किन मुद्दों पर वोट किया ये सब हम पूछ रहे हैं। बदलाव तो होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या मुद्दों पर वोट किए हैं, मुद्दे क्या थे, दिमाग में क्या चल रहा था कि समस्याएं रही है कि फायदा हुआ है? ठीक हो तो ठीक है जी, वो ठीक ठाक है। हाँ सर मतलब कुछ मुद्दा नहीं बताएंगे? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं बताएंगे, मुस्कुराहट काफी कुछ करी। ताई आपका नाम क्या हुआ? अनीता जी। अनीता जी वोट पड़ गया कि नहीं? नहीं जी ले ही बनवाई। अच्छा जा रही वोट डालने? हाँ जी। तो क्या चल रहा दिमाग में अभी? मेहनत जी मेरा को जो कोई गिरवाओगे सो चीज गिर देंगे वोट तो। तो चाहे कहीं भी घेर देंगे। हाँ जी। तो क्या समस्याएं रही है कि फायदा हो? तो जी मैं ना तो सरकारी नौकरी मिले जी छोरा ने और बाप उनका सह नहीं। हाँ। यह समस्या से। तो समस्या को लेकर वोट करेंगे आप? हाँ समस्या के लिए कर रहे हो जी। देखिए समस्या के लिए वोट करेंगी, देखिए ये महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात हो रही है, सीनियर से भी बात हो रही है और लगातार सभी बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जाटली गांव के एक हम पोलिंग बूथ पर हैं और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर लोग आते जा रहे हैं और ये वोटिंग बूथ है जहां पर वोट पड़ रहे हैं। काफ़ी सीनियर सिटीजन से भी हमारी बात हो रही है, महिलाओं से भी बात हो रही है, कुछ लोग आ भी रहे हैं हमारे साथ में बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या हुआ? राम राम जी। तो वोट पड़ गया नहीं पड़ा? पड़ गया। हमारे कैमरे पे दिखा दीजिए एक बार अपनी फिंगर, वोट देखिए वोट डाले, काफी जागरूक नागरिक है हम बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट किया आज आपने? बढ़िया काम करा हमारे खातर। तो सरकार में बढ़िया काम हुआ? हाँ। आप अम्मा किन मुद्दों पर वोट डाली है? हाथ पर। देखिए मैं किसी सिंबल नहीं पूछ रहा किसी से, लेकिन लोग अपना खुल के बता रहे हैं। अब सर नाम आपका क्या हुआ? मनोज कुमार नाम। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ मुद्दा पूछ रहा हूँ किन मुद्दों पर वोट किया है? चार मुद्दे मेन है, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान, जवान, मेरे लिए चार मुद्दे मेन है। ये बड़े मुद्दे हैं? बहुत बड़े मुद्दे हैं मेरे लिए गुजारो, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। हाँ। किसानों के साथ जो बर्ताव किया वो चरम पे था, उसके बाद भ्रष्टाचार चरम पे है, फैमिली आईडी, परिवार आईडी, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको लेके पिछले 10 सालों में जो सरकार ने किया। बिल्कुल। तो देख रहे हैं लोगों से हमारी बात होती जा रही। सर आपका नाम क्या हुआ? कुलदीप सिंह जी। किन क्या मुद्दे थे वोट के? बेरोजगारी है जी, सड़कें सब टूटी पड़े हैं यहाँ पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है जी, आप तहसील में जाके देखिए, रजिस्ट्रियों पर बिल्कुल खुले आमतौर पर परसेंटेज मांगी जा रही है आप, ठीक है ना, कोई लगाम नहीं है अधिकारियों के ऊपर सरकार की। समस्याएं बढ़ी? समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और आतंकवाद ये बढ़ गया अपना। देखिए ये बड़े मुद्दे जिन पर वोट डाल रहे। ताऊ आपका नाम क्या हुआ? सूरज सिंह। सूरज जी कितनी एज है आपकी? 70 साल।
देखिए 70 साल की एज है और सुबह सुबह ये पहली शिफ्ट है जिसमें वोट डालने आए हैं। क्या बड़े मुद्दे दिमाग में चल रहे थे वोट डालने से पहले? कुछ मुद्दे नहीं थे अपने, तो वो तो वोट डाले पहले और बता दिया, याद ही बस। तो समस्याएं रही या फायदे हुए सरकार में? हाँ, कोई खास फायदा है ना, नुकसान भी ना है। चलिए और भी सर है हमारे साथ। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं तो बोल की जगह रोहतास से भाई। रोहतास जी वोट डालाए हैं अभी? हाँ, डाले। तो कोई दिक्कत अंदर? अच्छा, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी? ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। अभी बात करके गए थे, इन्होंने बताया। पीछे भी देखिए महिलाएं आ रहे हैं और काफी युवा भी आ रहे हैं। देखिए ये सब जागरूक नागरिक है जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है। अम्मा एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम हुआ आपका? एक तरफा कांग्रेस बघेरी ना हम न। अभी वेट वोट नहीं पड़ी ना? अच्छा, भाई जा रहे हैं पर्ची लेने। पर्ची लेने? अच्छा, पर्ची लेने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है 4 PM न्यूज नेटवर्क पे। आप लगातार देख रहे हैं क्या मुद्दे रहे लोगों के, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में हम जाटली गांव के एक पोलिंग बूथ के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम छोर पर है और कुछ ही घंटे बाद लगभग 5 बजे वोटिंग ख़त्म हो जाएगी। पहली शिफ्ट है, 10 बजे से पहले हम जाटली गांव के एक पोलिंग बूथ पर हैं। लोगों से बात कर रहे थे जिन तमाम मुद्दों पर आज यहां पर हरियाणा की पब्लिक वोट कर रही है। और आपने भी सुना, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ।